आपको पता है आदमी के बुढ़ापे की असली पहचान क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। गंजापन? नहीं। दवाइयाँ? नहीं। झुर्रियाँ? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम ही बताओ। दोस्तों, बुढ़ापे की असली पहचान ये है जब आपकी पत्नी शक करना बंद कर दे। ये होती है। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। लक्ष्मी लक्ष्मी देख, न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है, पत्नी फेंको लैला उठाओ। चश्मा लगा लो, लिखा है पन्नी फेंको थैला उठाओ। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता, प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। सुनो जी, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा हिम्मत किसमें होती है, पति में या पत्नी में? अरे भैया, बीवियों में ज्यादा हिम्मत होती है। वो कैसे? बीवियां पति का शर्ट, टी शर्ट, लुंगी, जींस, कुर्ता सब कुछ पहन लेती हैं, लेकिन भैया पति में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी बीवी की साड़ी, सलवार, कुर्ता, ब्लाउज या पेटीकोट पहनकर घर से निकल जाए। सुनो जी, आप रोज सुबह सुबह जॉगिंग पर जाया करो और स्टाइल मारने के लिए एक कुत्ता भी ले जाया करो। तो ठीक है, कल से सुबह सुबह भेज दिया करो अपने भाई को मेरे साथ। पप्पू बेटा, खड़े हो जाओ। जी मैडम जी। ये बताओ, एक आदमी में और एक औरत में क्या अंतर होता है? मैडम जी, एक औरत ना एक साल में एक ही बच्चे की माँ बन सकती है, लेकिन एक आदमी एक साल में 365 बच्चों का पापा बन सकता है। खाने में क्या बनाया? बैंगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है? तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। अबे जा, बस ट्रेन और लड़की, एक गई दूसरी आती है। अच्छा, रिक्शा टैक्सी और लड़के, एक बुलाओ चार आते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन? यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। सुनो जी, एक बात बताओ, बीबी सबसे अच्छी कब लगती है? जब दूसरे की हो।